अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ और मजीद टिप्स बताऊंगा कम्युनिकेशन के रेलेवेंट क्लाइंट्स के साथ। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक प्रपोजल सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद क्लाइंट आपको रिस्पांस करता है और आपके इनबॉक्स में आ जाता है। अब यहाँ पे रियल कम्युनिकेशन और रियल गेम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वो आपके मैसेज के अंदर आ गया। इसका मतलब ये है कि एक जो आपका कवर लेटर था, जो आपका इंप्रेशन था, वो क्लाइंट पे पड़ चुका है, इसी वजह से उसने आपको रिस्पांस किया और वो आपके इनबॉक्स में अवेलेबल है। अदरवाइज और काफ़ी सारे लोगों के वो प्रपोजल पढ़ के आ चुका है। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ तो आउटस्टैंडिंग था आपके कवर लेटर के अंदर, इस वजह से वो आपके इनबॉक्स में आया। तो ओके, इनबॉक्स में आ गए। अब यहाँ पे आगे उसको कैसे डील करना है, आप अपना इंप्रेशन 100 से 200 पे ले जाते हैं या 100 से 0 पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे सारी गेम यहाँ पे डिसाइड होती है। और उसकी जो बजट है वो $100 है और आप उससे $500 कैसे निकलवाओगे, ये सारी गेम यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, वो आपसे आपके कवर लेटर पे ही डिसाइड नहीं कर लेगा कि आप इस जॉब के लिए रेलिवेंट परफेक्ट हो। वो आपसे फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो आपको अगर कोई अनक्लियर पॉइंट हो उस पूरे जॉब के अंदर, तो आपने टू द पॉइंट क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है, उसको बताना है कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है, इस तरह से होंगी। और कोई पॉइंट आपका अनक्लियर है, आपको नहीं समझ आई, तो क्लाइंट से पूछ लें, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंट से बिल्कुल पूछें कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये लाइन में आपने ये मेंशन किया है, इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको इसके मुतालिक क्या चाहिए। तो क्लाइंट इसमें आपके साथ ट्रस्ट पे आता है कि यार ही नोज एक्चुअली वट ही इज़ डूइंग। कि जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह से कहोगे कि जी मैं कर लूँगा, ओके आई कैन डू इट, प्लीज़ हायर मी, समथिंग लाइक दैट, तो क्लाइंट आपको एक इंतहाई अनप्रोफेशनल बंदा समझेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साथ, उसके लिए काम कर रहे हो, आपको हायर कर रहे हैं एक अच्छे अमाउंट के जरिए, तो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन वो है एक प्रॉपर तरीके से करनी, एक सेंसिबल कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो जस्ट ये कहते हैं ओके आई कैन डू इट, ओके आई कैन डू इट, और बहुत ही वेग से रिप्लाई देते हैं लाइक ओके यस फाइन। दिस इज़ नॉट द वे आप उस वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर जवाब दें, डिटेल्ड उसको जवाब दें कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से होंगी, ठीक है आपकी समझ आ गई मुझे, मैं आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से प्रोवाइड करके दूंगा। और आपने इस तरह से कोई स्माइल ही नहीं भेजनी, हार्ट नहीं भेजना, हैंडशेक या समथिंग लाइक दैट, जब तक आपकी क्लाइंट के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन ना हो या अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। पहली दफ़ा तो आपने ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी, उसके बाद क्लाइंट का आपको पता चलता है कि क्लाइंट किस हैबिट का मालिक है, क्या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या वो सोचता है, किस तरह से वो काम करता है, डेडलाइन के ऊपर वो स्ट्रिक्ट है नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बाद की बात है। लेकिन स्टार्ट के अंदर आपने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, बिल्कुल तमीज़ से आपने वो सारी चीज़ें उसके साथ पूछनी है, डिस्कस करनी है। जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, फिर आप उसे कहें कि ओके आई अंडरस्टैंड बट दिस इज़ वट यू वॉन्ट एंड नाउ यू कैन हायर मी, यू कैन स्टार्ट यूर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वो आपको हायर कर लेगा, राइट। अब मैं लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जब क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो वहाँ से हम देख रहे थे कि क्लाइंट ने पिछले जो फ्रीलांसर्स को क्या पे किया, उसकी पेइंग पावर कितनी है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से उसे निगोशिएशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इतनी पेमेंट लगेगी स्पेसिफिक टास्क के लिए और इतना टाइम लगेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान रखना है, एंड मेक श्योर कि क्लाइंट एक पर्सन है, ही इज़ नॉट अ बोट, उसे समझ आती है, सेंसेस हैं उसके अंदर, आप किस तरह से उसे बात कर रहे हो, किस तरह से आप उसको बता रहे हो, तो उसे 200% फील हो जाता है कि इस बंदे को इस टास्क की समझ आई भी है कि नहीं आई, और ये बंदा ये काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो आपने सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट पे एक इंप्रेशन जमाती है और उसको एतमाद में लेती है। तो आई होप आपको बेसिक समझ आई होगी कि क्या चीज़ें आपने करनी है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, क्या चीज़ें नहीं करनी। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक्चुअल कम्युनिकेशन अपने दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।